हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फिर आज हम बात करेंगे येस बैंक की तरफ से कुछ बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं येस बैंक के लिए तो यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो अगर आप बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें से आपको काम करना, इसके साथ जुड़ के काम करना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको पता किस तरह की पोस्ट निकला हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो येस बैंक के आप जो देख रहे हैं इस पेज को, मैं येस बैंक के ये ऑफिशियल पेज है, तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते। तो इसके साथ साथ देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट मोर एंड अबाउट करेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड येस बैंक प्लीज़ क्लिक है। तो आपके क्लिक है के बटन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद और एक पेज खुलेगा, उस पेज में आपको जो जो जॉब की नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, आप उसका उन सब जॉब को यहाँ पे आपका जो की है आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग होने में देरी हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चला है कि मैनेजर की पोस्ट है जो कि कर्नाटक का बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया में निकला हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी है जो कि ब्रांच सर्विस पार्टनर, वाइस प्रेसिडेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर, तो इस तरह के बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला है वो है इंडिया की ऑल ओवर स्टेट से या सिटी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट जो कि सिटी में निकला हुआ है येस बैंक की पोस्ट। तो अगर आप चाहते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो अप्लाई बटन है, अप्लाई बटन के आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद और एक पेज खुलेगा, जो पेज में आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस जो कि दिया हुआ है, आपके इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आपको फर्स्ट जो कि रिज्यूम अपलोड करना होगा। रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपका वो देना होगा। आपका अगर कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है आपके पास तो आप दे सकते हैं, या वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको वो भी देना होगा। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस आपके पास, अगर कोई और सर्टिफिकेट है जो कि काम करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आप वो भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ अब इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर है, जॉब क्वेश्चन और ई सिग्नेचर, रिव्यू एंड सबमिट, आपको सब कुछ देके आपको रिव्यू एंड सबमिट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो सबमिट है, आपको जो पेज है आपको वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अगर आपको कोई सीवी या बायोडाटा सिलेक्टेड होता है तो उसके बाद वो लोग आपको कॉल करके पूछेंगे। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिज्यूमे सीवी, तो आपको क्या करना होगा, चूज फाइल में जाके आपको एक आपका सीवी जो की है आपको यहाँ पे देखे सेव या कंटिन्यू करना होगा। सेव या कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे और दूसरा जो कि पेज आएगा जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। अगर उस देने के बाद आपको सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद फिर से एक पेज आएगा। इस तरह से बहुत सारे पेज आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है। सब कुछ देने के बाद सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा येस बैंक की तरफ से अगर कुछ एसएमएस या कॉल आता है तो आपको जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप येस बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट है, आप लोग ध्यान देख के एक बार, बहुत सारे पोस्ट है तो आप लोग देख के अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।